ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें। साथ ही नकल से सावधान रहें। दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं, जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि। तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल होइए। ओम नमः शिवाय। होली आने वाली है और सभी लोग होली की तैयारी में लग गए हैं, और आज की जो वीडियो है हमारी ये भी होली के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी आ गई है, तो अपने घर की छतों पे या जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर पंछियों के लिए थोड़ा सा चारा ज़रूर डाल दें और एक कटोरी में पानी ज़रूर रख दें, क्योंकि अब जंगल तो इतने रहे नहीं हैं। इस वजह से बेचारे पंछियों को बहुत परेशानी होती है और वो भूख प्यास की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में मारे जाते हैं। अगर आप जानवरों के प्रति ज़रा भी प्रेम रखते हैं, पंछियों के प्रति ज़रा भी प्रेम रखते हैं, तो उनके लिए अपने घर के बाहर या छत पे एक कटोरी पानी ज़रूर रखें और थोड़ा सा उनके लिए जो दाने होते हैं जैसे कि चावल गेहूं, थोड़े से एक मुट्ठी भर ज़रूर रखें, और इससे बहुत पुण्य मिलेगा आपको और ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपने होली पर तो बहुत सारे वशीकरणों के वीडियोस देखे होंगे, उपाय देखे होंगे, टोटके देखे होंगे, और उन उपाय को सही तरीके से करेंगे तो वो फलदायक भी होते हैं। लेकिन आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं, जिस टोटके की बात कर रहे हैं, वो इससे एक कदम आगे है। आज हम बात कर रहे हैं होली पर बंगाली वशीकरण। आप सभी जानते हैं कि बंगाल का जो वशीकरण है, बंगाल का जो तंत्र है, वो कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, कितना ज़्यादा सटीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी साधक यदि वशीकरण में महारत हासिल करना चाहें तो वो बंगाल में जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी दीक्षा ले सकते हैं। बंगाल का जो जादू होता है ये विश्व प्रसिद्ध है। आपको बहुत जगहों पर बंगाल के उपाय, बंगाल के जादू के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। इसके टोटके, इसका तंत्र प्रदान बहुत ही सटीक होता है। यहाँ की विधियाँ कुछ हटके होती हैं और यहाँ जो बताया जाता है वो बिल्कुल सटीक होता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने मन चाहे प्यार को होली के दिन अपना बना सकते हैं। मैं जानता हूँ आपने बहुत तरीके के उपाय किए होंगे, बहुत सारे उपाय किए होंगे, एक नहीं नाना प्रकार के आपने उपाय किए होंगे। अपने प्यार को पाने के लिए आपसे जो बन पड़ा आपने वो सब किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार हमें निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसी निराशा आपको दोबारा ना हाथ लगे, इसके लिए मैं आप सभी के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें जो मंत्र प्रयोग है ये इतना ज़्यादा कारगर है कि ये सिर्फ एक बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाता है, या यूँ कहिए ये यहाँ पर जाप किया और वहाँ पर असर हुआ, इस तरह का काम है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलत इस्तेमाल करने के बारे में तो इसको सोचना भी मत, क्योंकि अगर ये गलत इस्तेमाल किया तो ये 100% 100% गलत इस्तेमाल करने वाले के ऊपर असर करेगा ही करेगा। और इसका गलत इस्तेमाल किया तो जिसके ऊपर आप गलत इस्तेमाल करके हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उससे मिलने वाले सुखों से आप वंचित रह जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर वशीकरण किया और उसको आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया, लेकिन अगर आपने दुष्ट नीति से या अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया तो वो आपके जीवन से चली जाएगी या चला जाएगा। यदि आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं, अति पूर्णतः आप उससे प्यार करते हैं, पूरी तरह से अपना तन मन धन सब कुछ उसको समर्पित कर चुके हैं, तभी इस मंत्र को आजमाएं। और ये मंत्र भी बहुत छोटा है। इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इसकी सावधानियाँ। इस मंत्र को करने से पहले एक महीने पहले यानी कि 30 दिन पहले से ही आपको नॉन वेज यानी कि चिकन मांस मीट अंडा खाना छोड़ना होगा।
अगर आप एक महीना नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 7 दिन पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस मंत्र की अवधि में जब आप ये करें तो आप जहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है या जहाँ पर कोई इस दुनिया से चला जाता है ऐसी जगहों पर आपको भूल कर भी नहीं जानी। इस मंत्र में आपको शक्ति मिलेगी, आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी जिससे कि आपके सामने वाला जो भी इंसान होगा वो आपके समीप आ जाएगा और जैसे भी जिस भी इंसान में आप देख लीजिए, संसार में इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके पास भी शक्ति है उसके पास कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होती हैं, उसकी बाउंडेशन ज़रूर होती हैं। अगर वो अपनी बाउंडेशन से आगे निकलता है तो उसकी शक्तियाँ उस पर उल्टा प्रभाव डालती हैं या फिर उसे छीन ले जाती हैं। तो आपको यही करना है, आप अपने जो बाउंडेशन है उसके अंदर रहते हुए ये कार्य करिए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। अगर आपने अपनी जो बाउंडेशन है उनको क्रॉस कर दिया, उनको पार कर दिया, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और बात एक और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उपाय होते हैं इनमें करने के बाद जितना आपको सुख मिलता है उससे कहीं ज़्यादा गुना नुकसान भी हो जाता है यदि आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्यार सच्चा है, आप दिल से किसी को प्यार करते हैं, पूरी तरह से उसके ऊपर मर मिटे हैं, आपको दुनिया की परवाह नहीं है और आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, तो आप निडर होकर इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं मिलेगा, बस आपके भावार्थ, आपके मन की जो इच्छा है वो सही हो, आप किसी का अनिष्ट ना करें। और ध्यान रहे, जो जो बातें मैंने बताई हैं उन सबको एक एक करके फॉलो कीजिए और आप उसके बाद अपने प्यार को सदा के लिए आप अपना बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं। यदि कोई साधिका है तो वो भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेगी और यदि कोई साधक है तो वह भी नित्य सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको सुबह यानी कि तड़के जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में या जिसको आप अमृत वेला कहते हैं आप उसमें भी उठ सकते हैं। और उसमें उठने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलना, आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। आप जैसे ही उठें निवृत्त होएं अपने कामों से और नहा के आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और जिसको भी आप वशीभूत करना चाहते हैं उसकी एक तस्वीर ले लें। उस तस्वीर को हाथ में पकड़ें और इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ एक बार जाप करें। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं है, आपने पहले भी कई उपाय किए हैं और वो सफल नहीं हो पाए, तो इस अवधि में आप एक काम कर सकते हैं, अपने सामने एक पानी का लोटा ग्लास रख सकते हैं और आपके मंत्र के बोलने की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आपके बोलने की वाइब्रेशन उस पानी में जाए। जितने आप साधारण तौर पे कोई बात बोलते हैं उससे आपको थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में ये मंत्र बोलना है ताकि आपकी आवाज़ उस पानी तक एक बार पहुँच जाए। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है और उस पानी को जो है पी लेना है। यदि हो सके तो उस इंसान को ये पानी पिला दीजिए जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि इस पानी की एक बूंद भी उस व्यक्ति के जिह्वा पे यानी कि जीभ पे लग जाती है तो भी वो आपके वशीभूत हो जाएगा। यदि पानी नहीं पिला सकते तो आप खुद ही पानी पी सकते हैं और उसे पानी पी के आप उसके सामने जा सकते हैं। जैसे ही आप ये मंत्र बोलेंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन याद रहे, मंत्र बोलते वक्त अपने मन में उसका ध्यान करिए जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, उसकी पूरी छवि बनाइए और बस पूरे विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय रखिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा कुछ भी संभव नहीं होगा। विश्वास रखिए अपने गुरु पे, अपने परमपिता परमात्मा पे, जिस भी भगवान अल्लाह खुदा गॉड को आप मानते हैं उसको एक बार याद कीजिए और अपना जो मंत्र है वो बोल दीजिए। मात्र 24 घंटे के अंदर वो इस तरह से आपके पास आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये एक बार करके देखिएगा, बहुत सटीक उपाय है और बहुत ही प्रचंड है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल ना करिए, यदि गलत करेंगे तो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आप मंत्र लिख लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीम व्यक्ति का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मैं आपको पूरी तरह बताता हूँ। मान लीजिए किसी का नाम अमित है और उसके ऊपर हम ये मंत्र करेंगे तो हम बोलेंगे,
ओम क्लीम अमित मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह चमत्कारी मंत्र आपको सिर्फ एक बार बोलना है, इसमें ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज है और जो लोग मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ में लगे रहते हैं उनको तो चमत्कार और भी जल्दी देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से आप इसको करिए और आपका जो भी प्रेमी है या प्रेमिका है वो आपके आगे पीछे मारे मारे डोलेगा। ये इतना प्रभावशाली है कि इसको हमने अब तक गुप्त रखा था, हमने नहीं बताया, लेकिन मेरे कुछ साधक हैं ऐसे जो हमसे मांग करते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बताइए जो एक बार में सटीक काम करे। तो ये उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट के लिए मैंने ये आपके लिए दिया है। उम्मीद करता हूँ आप इसका गलत इस्तेमाल तो कदापि नहीं करेंगे, और जो मैंने आपको बताया था कि दूसरों की भलाई कीजिए, यदि आप आर या पार की सिचुएशन में हैं, ऐसी कंडीशन है कि और कुछ कर ही नहीं सकते, तो ही इस मंत्र का उच्चारण करिए। और जो मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि पंछियों के लिए ज़रूर अपने घरों के छतों के ऊपर थोड़ा सा अनाज ज़रूर रखें और पानी की एक कटोरी उनके लिए ज़रूर रखें। यकीन मानिए वो बेजुबान पंछी अपनी ज़ुबान में आपको ऐसी दुआ दे जाएंगे कि आप भी याद करेंगे। इसलिए अपनी घर की छत पर उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है या जो दुविधा में है। याद रखिएगा, दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद स्वतः ही होती रहेगी। ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी आपको जगह मिले या जहाँ कहीं भी आपके लिंक हो ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अपना सवाल जवाब मुझसे करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी durlabhsamagri@gmail.com पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय।